भारतीय जनता पार्टी ने कई लक्ष्य रखे थे हमारे चुनावी घोषणा पत्र में हम रखते थे कि एकता और अखंडितता का अगर मूर्त स्वरूप जमीन पर लाना है भूमि पर लाना है तो धारा 370 समाप्त हो जानी चाहिए और कश्मीर का हमेशा के लिए भारत के साथ जुड़ा होना अगर धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की शुरुआत करनी चाहिए तो प्रतीकात्मक रूप से श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण होना चाहिए और ये देश को सात में पंथ निरपेक्ष बनाना है जो तो त्रिपल तलाक जैसे कानून जो धर्म विशेष के लिए बने हैं उसको समाप्त कर दे और मोदी जी ने ये दस साल के अंदर राम मंदिर बनने की शुरुआत भी हो गई और 22 जनवरी को रामलला अपने निज घर के अंदर प्रस्थापित भी हो जाए धारा 370 समाप्त हो चुकी है इसके साथ साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर महाकाल महालोक सोमनाथ के मंदिर को फिर से सुवर्ण मंडित बनाने की शुरुआत धाम और बद्री धाम के अंदर एक नए आलोक के साथ श्रद्धा का लोग निर्वहन कर सके इस प्रकार की व्यवस्थाएं कश्मीर में शारदा पीठ का पुनर्स्थापन और संसद के अंदर दक्षिण की सनातन परंपरा का प्रतीक सेंगोल को स्थापित करना यह सारा काम नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त